नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं SEC। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि WhatsApp में एंड टू एंड इंक्रिप्शन के फीचर की वजह से क्या हमारा पर्सनल डेटा या फिर कह लीजिए प्राइवेट वीडियो कॉल, चैटिंग वगैरह सिक्योर और सेफ रहता है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप लोग कुछ गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से अगर आपके WhatsApp में एंड टू एंड इंक्रिप्शन का फीचर ऐड भी है, वैसे तो सारे WhatsApp में फीचर ये रहते ही रहते हैं, लेकिन अगर ये फीचर है भी और कुछ गलतियां आप लोग कर देते हो जिसकी वजह से आपका सारा पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है, लीक हो सकता है। और साथ ही साथ मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने पर्सनल डेटा को, चैटिंग को या फिर प्राइवेट वीडियो कॉल को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले वीडियो को कर देना है लाइक, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और साइड में एक बेल का भी आइकन मिल जाएगा, उसे भी जरूर दबा देना। दोस्त, आप लोग लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं करते हो, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रही है। और अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिलती है, मोटिवेट भी होता हूँ और उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की इच्छा भी होती है। तो आप लोग कॉमेंट कर दिया करो, और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो फीचर है उसकी वजह से हमारा सारा पर्सनल डेटा, यहाँ तक कि प्राइवेट वीडियो कॉल सिक्योर और सेफ रहता है। तो दोस्त, मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भाई आपने ही तो बताया था कि अगर आपके व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो फीचर है वो है, वैसे सारे व्हाट्सएप में ये फीचर ऐड रहते हैं, तो इस फीचर की वजह से सारा पर्सनल डेटा, यहाँ तक कि आपकी प्राइवेट वीडियो कॉल भी सिक्योर रहती है। आपने ही तो बताया था। बिल्कुल दोस्त, मैंने बताया था और सही बताया था, लेकिन किसी भी चीज़ की लिमिटेशन होती है, हदें होती है। अगर आप किसी भी चीज़ की हदें पार कर देते हो तो आपको नुकसान तो होगी ही होगी। उसी तरह अगर आप व्हाट्सएप में भी किसी भी चीज़ की हदें पार कर दोगे तो आपको नुकसान तो होगी ही होगी। अब वो कौन से नुकसान होंगे और क्या चीज़ की हदें मैं पार कर देता हूँ, और भी कोई कारण हो सकती है मेरा डाटा लीक होने की, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप वीडियो को केयरफुली एंड तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन कब लॉन्च किया गया था ये फीचर, और व्हाट्सएप ने कब लिया था, यानी कि अपने प्लेटफॉर्म पर कब ऐड किया था। तो सबसे पहले हम जानकारी दे देते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो फीचर है वो 2014 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद व्हाट्सएप एक ऐसा लौता ऐप है जो अपने प्लेटफॉर्म पर इस फीचर को 2016 में सबसे पहले ऐड किया था, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिली है। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। देखिए, जिस टाइम व्हाट्सएप में ये फीचर ऐड नहीं किया हुआ था उस टाइम क्या होता था, मान लीजिए आप एक सेंडर हो और मैं एक रिसीवर हूँ, ठीक है, मान लीजिए, या फिर आप एक सेंडर हो और आपकी गर्लफ्रेंड एक रिसीवर है। तो आप क्या करते थे, किसी को भी मैसेज सेंड करते थे, आई लव यू जानू या फिर कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, और मेरे पास अगर आपका मैसेज पहुंचता था तो आप और मेरे बीच, यानी कि हम दोनों के बीच जो भी प्रोसेस प्रक्रिया होती थी उससे प्रॉब्लम हो जाता था। कोई भी हैकर आपके डेटा को लीक कर सकता था, चोरी कर सकता था, और आपके डेटा को देख भी सकता था, आपके चैटिंग को या फिर आपके प्राइवेट वीडियो कॉल को मिस यूज भी कर सकता था। पहले ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। यहाँ तक कि पहले ये भी हो रहा था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू जानू लिखते हो तो हैकर क्या करता था, वहाँ तक पहुँचने से पहले, यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड तक आपका मैसेज पहुँचने से पहले उस मैसेज को चेंज कर देता था, आई लव यू जानू की जगह आई हेट यू जानू लिख देता था, और वही मैसेज आपकी गर्लफ्रेंड तक पहुँचती थी और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज हो जाती थी, आपसे हेट करने लगती थी। लेकिन जब ये फीचर ऐड किया गया एंड टू एंड इंक्रिप्शन का, तो इससे हमको क्या फायदा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अब क्या होता है कि जब भी आप किसी को भी मैसेज सेंड करते हो, मैं फिर से एक गर्लफ्रेंड का ही उदाहरण ले लेता हूँ, क्योंकि आजकल सारे लड़के गर्लफ्रेंड रखते ही रखते हैं। तो आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज सेंड करते हो तो आप दोनों के बीच जो बीच की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखा आई लव यू जानू, आई लव यू डार्लिंग, कुछ भी, ठीक है, तो वो जो मैसेज है सबसे पहले वो डिलीवर होती है व्हाट्सएप के सर्वर पर, ठीक है। तो व्हाट्सएप के सर्वर पर डिलीवर होने के बाद अगर आपकी गर्लफ्रेंड ऑनलाइन है तो वो व्हाट्सएप तुरंत उसको, आपकी गर्लफ्रेंड को मैसेज सेंड कर देगा। लेकिन अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अभी ऑनलाइन नहीं है, जब वो ऑनलाइन होगी तो उसके बाद जो है व्हाट्सएप आपके मैसेज को आपकी गर्लफ्रेंड के पास डिलीवर करेगा। लेकिन हाँ दोस्त, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप जो भी मैसेज करते हो ना वो सारा का सारा मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर होती है, ठीक है। अब डरने वाली बात नहीं है, आपका जो मैसेज है या फिर प्राइवेट वीडियो कॉल या फिर कुछ भी है, व्हाट्सएप नहीं देख पाता है और ना ही रीड कर पाता है। वो कैसे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से क्या होता है कि आप जो भी मैसेज सेंड करते हो ना, तो आप मान लीजिए लिखे हो आई लव यू डार्लिंग अपनी गर्लफ्रेंड को, तो जो भी आपने मैसेज सेंड किया है वो मैसेज क्या होगा, एक कोड वर्ड में चेंज हो जाएगा। आपने लिखा है कि
कि आई लव यू डार्लिंग, तो वो क्या होगा, 1*9#, ऐसे करके चेंज हो जाएगा आपका जो वो वर्ड है वो एक कोड में चेंज हो जाएगा, और वही कोड व्हाट्सएप के सर्वर पर जाकर के स्टोर होगी। तो अब ये संभव ही नहीं है कि कोई भी बंदा आपके व्हाट्सएप के मैसेज को पढ़ सकता है। और दूसरी बात ये बता दो दोस्त कि व्हाट्सएप अपने सर्वर पर आपके पर्सनल डेटा को 30 दिनों तक स्टोर करके रखती है। अब यहाँ पर भी सोचने वाली बात हो गई कि जब 30 दिनों तक स्टोर करके रखती है तो फिर मेरा सारा डेटा वो तो देखती होगी, पढ़ती होगी। तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो एक कोड में चेंज होकर के चली जाती है, तो आपका जो डाटा है वो कोई भी रीड नहीं कर सकता, ना ही पढ़ सकता है। तो अब वो क्यों रखती है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कभी जरूरत पड़ गई कि मैं 30 दिनों के अंदर व्हाट्सएप पर किससे क्या क्या बातें किया हूँ जानकारी लेना चाहते हो, तो आप आसानी से व्हाट्सएप पर डाउनलोड कर सकते हो और अपना सारा पर्सनल डेटा 1 महीने का देख सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसलिए वो स्टोर करके रखती है। लेकिन आप मैसेज जो टेक्स्ट मैसेज जो सेंड करते हो ना, तो जब तक वो आपके गर्लफ्रेंड तक डिलीवर नहीं करती है तब तक तो वो स्टोर अपने सर्वर पर करके रखती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड ऑनलाइन हुई तो वो जो मैसेज है आई लव यू डार्लिंग का वो मैसेज डिलीवर्ड कर दिया गया आपकी गर्लफ्रेंड के पास, तो आपके यहाँ डबल टिक लग जाते हैं, ठीक है। और जब आपकी गर्लफ्रेंड देख लेती है तो वहाँ पर आपको ब्लू टिक शो हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जब आपके गर्लफ्रेंड के पास वो मैसेज डिलीवर हो जाती है तो वहाँ से उस मैसेज को यानी कि व्हाट्सएप अपने सर्वर पर से आपके टेक्स्ट मैसेज को डिलीट कर देता है। वो रखता नहीं है, टेक्स्ट मैसेज को नहीं रखता है, वो डिलीट कर देता है। लेकिन फिर भी अब बात कर लेते हैं कि किस कारण से मेरा डाटा चोरी हो सकता है, लीक हो सकता है, जबकि इतना अच्छा सिक्योरिटी है फिर भी। तो देखिए दोस्त, मैं आपको बता ही दिया कि किसी भी चीज़ की हदें होती है, अगर आप हदें पार करोगे या फिर किसी भी चीज़ की प्राइवेसी तोड़ोगे तो आपको नुकसान तो होगा ही होगा। तो आप हद में ही रह करके बात किया करो। अब क्या होता है, किसी भी तरह का आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो अपने मोबाइल में, या फिर किसी भी तरह का वीडियो आप देख लेते हो और कोई भी तरीका बताया जाता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे करो वैसे करो, वो भी किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए, यानी कि ब्लॉक कर दो वो कर दो या फिर खुद ब्लॉक हो जाओ ऐसे कर दो, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जाता है। तो आप वो तरीका अगर आजमाते हो तो आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी को तोड़ रहे हो, उनसे जो कानून है उनको आप तोड़ रहे हो, तो इसकी वजह से आपका डेटा चोरी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आप किसी भी तरह का मैसेज करते हो ना, मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो और उस टाइम कोई भी हैकर्स आपके मैसेज पर एकदम आंख गड़ाए बैठा हुआ है कि इस मैसेज को मैं लीक करूंगा ही करूंगा, तो क्या होता है कि उस टाइम अगर किसी भी तरह की आपसे गलतियां हो जाती है तो उस टाइम वो जो हैकर है वो जीत जाता है, यानी कि विन हो जाता है, आपका जो मैसेज है वो हैक कर लेता है। तो आप उस टाइम कोई भी गलतियां ना करें जिससे कि आपको नुकसान पहुंच सके। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का तो बिल्कुल ही यूज ना करें, GB व्हाट्सएप जैसे हो गया, यो व्हाट्सएप हो गया, इस तरह से बहुत सारे आपको व्हाट्सएप देखने को मिल जाएंगे। आप उस सारे व्हाट्सएप को किसी भी व्हाट्सएप को यूज ना करें, एक सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेंजर को ही यूज करें, इसके अलावा किसी भी व्हाट्सएप को यूज ना करें, वरना आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, ठीक है। और वीडियो में आपको बहुत सारा तरीका भी बताया जाता होगा कि इस नंबर से ये कर दे, इस कॉड को डाले तो आपकी गर्लफ्रेंड की नंबर ब्लॉक हो जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड खुद मान जाएगी, रूठी हुई है तो आपसे प्यार करने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती होगी। तो आप लोग ये भी ना करें, वरना आपकी जो पर्सनल डेटा है ना वो चोरी हो जाएगी, लीक हो जाएगी। जबकि आपके व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन का फीचर ऐड भी किया हुआ है फिर भी, क्योंकि देखिए दोस्त, आप किसी भी चीज़ की हदें अगर पार कर दोगे ना तो आपको प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। तो इसलिए अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी कानून को तोड़ोगे तो आपको तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो आप इस तरह की गलती ना करें, आप व्हाट्सएप मैसेंजर को इंस्टॉल करके रखें, इसके अलावा किसी भी तरह की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज ना करें, और ना ही किसी साइट पर जाए कि वहाँ से आप किसी बंदे को मैसेज कर दे और उसको पता भी ना चले कि आप कब ऑनलाइन हुए थे, कब ऑफलाइन हुए थे, कब किससे बातें कर रहे हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो अभी से बंद कर दे, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ताकि मेरा जो डेटा है, पर्सनल चैटिंग है या फिर वीडियो कॉल है, वो सारा का सारा सिक्योर और सेफ रहेगा। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे भी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।